आज हम लोग मिष्टी पुलाव बनाने जा रहे हैं। मिष्टी पुलाव बनाने के लिए साढ़े तीन चम्मच की कढ़ाई में गरम कर लेंगे और इलेक्ट्रिक कुकर में हमने 5.5 कप पानी खौला लिया है। हमने ढाई गिलास चावल ले लिया है। घी गरम कर लिया है, उसमें जीरा, तेज पत्ता, एली, लौंग, गोलकी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2, कुछ दालचीनी के टुकड़े, दाल के गरम करके उसमें 2.5 कप भिगोए हुए चावल डाल के भूंज लेंगे। अब हमने खौलते हुए पानी में हमने चावल के डबल क्वांटिटी में पानी डाल के गर्म कर चुका है, उसमें काजू के टुकड़े, जावित्री, तेज पत्ता, कुछ किशमिश के दाने,
दो बड़ी चम्मच नमक की, मेरा पुलाव कुछ मिनट में भुंजा गया है। ये पुलाव के दाने कितने खिले खिले नजर आ रहे हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मिष्टी पुलाव बनाने के लिए हमें इसमें कुछ चीनी चावल में डाल के डालेंगे। हमने एक छोटी कटोरी चीनी ली है और उसको चावल में डाल दी है। अब चीनी के पिघलने तक हम इसे ढक के छोड़ देंगे। कुछ केसर के बूंदे जो हमने पानी में पिघला के रखे थे वो उसे उसमें डाल देंगे। अब इस पानी तो अच्छे तरह से खोल चुका है और चीनी भी पिघल गया है। अब इसमें हम चावल जो हमने भूंज के रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। अब ऑन कर दो। कर दी। देखिए चावल के दाने कितने खिले खिले बने हैं। कुकर ऑफ करने के बाद हमने देखा चावल के दाने देखिए कितने खिले खिले बने। अभी इसे हम एक बॉल में खाली कर लेंगे।